साल 1945 में सुभाष चंद्र बोस की डेथ ताइवान में हुए प्लेन क्रैश में हुई, जैसा कि हम सबको बताया गया। साल 1945 के पीरियड के आसपास सुभाष चंद्र बोस न केवल इंडिया के बल्कि ग्लोबल प्रेजेंस बन चुके थे, जिनकी गुड लीडरशिप स्किल और इन्फ्लुएंस की वजह से काफी सारे देश जैसे कि जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे 9 देश उन्हें फॉलो किया करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो इतने बड़े ग्लोबल लीडर, जो इतने बड़े ग्लोबल प्रेजेंस बन चुके थे, जब उनकी प्लेन क्रैश हुई और उनकी डेथ हुई, उस पूरे इंसिडेंट पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? तो आज इस वीडियो में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आजादी के महानायक नेताजी की मौत का सच, क्या वाकई हादसे में हुई थी नेताजी की मौत? क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी रहस्य क्या है? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। 18 अगस्त 1945 के प्लेन क्रैश के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन किसी भी मीडिया पर्सन को वहां रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई, ना ही कोई फोटो वहां क्लिक करने दी गई। नेताजी जो एक ग्लोबल लीडर थे, उनके उस प्लेन क्रैश इंसिडेंट को और उनकी हेल्थ अपडेट को क्यों कवर नहीं करने दिया गया? क्या वहां कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी? चलिए एक बार के लिए हम ये कदम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मान लेते हैं, बट इतने बड़े ग्लोबल लीडर का आप ये तो मानते ही है ना कि डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट तो जापानी सोल्जर के नाम से बना था। सो एक और काम करते हैं, इस पूरे इंसिडेंट को साइड रखते हैं। चलिए एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई, तो उनकी बॉडी को इंडिया क्यों नहीं लाया गया? अगर वो असल में नेताजी ही थे तो उनकी बॉडी का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? अगर उस टाइम डीएनए टेस्टिंग इतनी एडवांस नहीं थी तो आज तो प्रेजेंट में डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है, बट अभी भी वो स्टेप क्यों नहीं लिया गया? क्यों आज भी उनकी बॉडी रिमेन्स इंडिया के बाहर है? ऐसा क्या रीजन था कि उनकी डेथ के 20 सालों बाद तक उनके परिवार के ऊपर नजर रखी गई? सवाल ऐसे ही बनते जा रहे थे और इसी बीच आजादी के 2 साल बाद इंक्वायरी शुरू हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरियन प्रतुल चंद्र गुप्ता को अपॉइंट किया इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर स्टडी करने के लिए, जो गवर्नमेंट को बस इतना बताने वाले थे कि इंडियन नेशनल आर्मी, या दूसरे शब्द में कहूँ आजाद हिंद फौज का हमारी इंडिपेंडेंस में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था। एक मोटी सी किताब इस पर लिखी गई, बट वो कभी भी पब्लिश नहीं की गई। 1955 शाहनवाज कमीशन और 1917 खोसला कमीशन, भारत में 2 बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, बट उन दोनों इन्वेस्टिगेशन को ये कहकर कंक्लूड कर दिया गया कि उनकी डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई है। कि साल 1999 में एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसे मुखर्जी कमीशन नाम दिया गया, और ये इन्वेस्टिगेशन ताइवान में उसी जगह पर हुई जहां नेताजी की डेथ हुई थी। ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1945 में ताइवान में कोई प्लेन क्रैश इंसिडेंट हुआ ही नहीं। तो टोक्यो के रनकोजी टेम्पल में किसकी अस्थियां रखी गई है, जिसे आज भी हम नेताजी मानते हैं? आज तो साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है, तो क्या हमें ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि उनकी अस्थियों को लाकर टेस्ट करवाया जाए, जैसा कि उनकी फैमिली भी चाहती है? फेमस राइटर और जर्नलिस्ट रहे अनुज धर ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में ये जिक्र किया कि सुभाष चंद्र बोस 1985 तक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के टच में थे, जो उस टाइम रशिया में थे। सो अगर वो 1985 तक जिंदा थे तो पब्लिकली बाहर क्यों नहीं आ सकते थे? कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि नेताजी इंडिया वापस लौट आए थे और आइडेंटिटी बदलकर गुमनामी बाबा नाम बदलकर रहते थे, बट रियलिटी क्या है, नो वन नोस। 2016 में गवर्नमेंट ने नेताजी से जुड़ी काफ़ी सारी सीक्रेट फाइल्स को पब्लिश किया, बट वो डॉक्यूमेंट्स भी अधूरे थे। सो क्यों कोई भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहता? क्यों कोई सच नहीं जानना चाहता? नेताजी ने उन 20,000 अंग्रेज़ों को हिलाकर रख दिया जो 3 करोड़ भारतीयों पर राज करते थे। नेताजी ने मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अनगिनत बलिदानियों के संघर्ष को एंड तक पहुंचाया। इंडिया में नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज के बारे में हमारी हिस्ट्री की बुक में मुश्किल से 2-3 लाइनें पढ़ने को मिलती है। शायद अब हमें ये बदलने की ज़रूरत है और सच जानना ज़रूरी है। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब अधूरे। आपको क्या लगता है इसी बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अवेयरनेस सबके पास पहुँच सके। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।